नमस्कार स्पोर्ट्स ए टू जेड खोला कथा को आपको स्वागत करुच्छू सरोज। आज इंटरव्यू मोपाई बहुत खास कहीं इंटरव्यू करने मुझे दीर्घ दिन ही प्लां कर आज आम सहित अच्छा देशर द्रुततम धावक अमीय मल्लिक 2016 द्वारा स्थापन करेकर्ड एपर्तंत कहीं भी भांगार सक्षम होना। आज कार्यक्रम को आपको स्वागत करुच नमस्कार। तो अमीय मुझे आपको जर्नी विषय जानवाक चाहिए कि आपत बाट अतिक्रम करवा केमती संभव है। जब मुझे स्कूल रे थी तो मुझे पे स्कूल रो एनुअल स्पोर्ट्स रे पार्टिसिपेट करी से समय रे मते छोटो बेले एते हुए तो नॉलेज नथिला कि एथलेटिक्स गोटे प्रोफेशन भावे भी करा जाई पारिबो। किंतु मुझे जब स्कूल रिप्रेजेंट कली आमर महात्मा हंसराज टूर्नामेंट हुए किसी CBSE स्कूल को नहीं कि तो जब मुझे मो स्कूल को रिप्रेजेंट कली से मोर कोच जी एवं अच्छा नीलमाधव देव सी एज ए ऑफिशियल जाते आते मते बहुत इंस्पायर करते कि आसिकी एथलेटिक्स जॉइन करने कलिंग स्टेडियम में। तो मो जर्नी से स्टार्ट होता। ओके तो जितेबाद आप आरंभ करते कौन स्ट्रगल थिला कहीं गोटे टाइम तो एमती थिला कि क्रिकेट को छाड़िले आम देश में अगर कौन स्पोर्ट्स को आदम गुरुत्व दि जाए ना तो जितेबाद आप स्टार्ट करते से समय तो एथलेटिक्स बहुत आमेच्योर स्पोर्ट्स बोली गणा जाता तो से टाइम केमती स्ट्रगल थिला आपणकर केमती से स्ट्रगल को ओवरकम करते। फर्स्ट ऑफ ऑल मोपाई की चैलेंज यहाँ था कि मुझे गोटे नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड फैमिली रू आसली आउ सही समय रे कैरियर चूज करिया गोटे बहुत बड़ा चैलेंज थिला। आउ गोटे चैलेंज थिला कि मु केमती खेल आउ पढ़ा को बैलेंस कर पारिबे। मो पेरेंट्स मते बहुत सपोर्ट कले दिगरे आउ खास करके मोर जो कोच से मोर ट्रेनिंग प्लांस इनिशियल डेज जब मु स्टार्ट करथली बहुत लाइट रखिले जहाँफल कि मुझे बेसी थकु नथिली आउ मु जाइकी इक्वली पाठ भी पढ़ी पारथली। तो ये सब बेसिक चैलेंजेस मो पाई कि छोटो बेले थिला जब मु मो करियर स्टार्ट करथिली। तो आपणकर इंस्पिरेशन किए बा जेतेबेले आपण करियर स्टार्ट करथिले से टाइम रे आपण कहा को देखि कि इंस्पायर होइथिले बा कहाठु आपण खेल सिखिथिले। मु मोर सीनियर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मु मोर स्कूल सीनियर्स मानको देखि कि बहुत इंस्पायर होइथिली कारण से माने मते बहुत प्रेरित करथिले कि मु एथलेटिक्स करे जब एनुअल स्पोर्ट्स मु तांको देखे बहुत जोरे दौड़ियार मते कोटना कोटी गोटे आग्रह मो भितर प्रकाश होता कि मुझे सेमती परफॉर्म करे। तापर मुझे जब लाइब्रेरी में बसिकी गोटे जेके बुक पढ़ू से मुझ देखिली कि इंडिया फर्स्टेस्ट मैन क्वेश्चन थिला आउ अनिल कुमार का ना थिला से समय अनिल कुमार 10.30 टाइमिंग करते मु 5 कि 6 स्टैंडर्ड रे थिली स्कूल रे। तो मते से टैग लाइन टा बहुत फैसिनेट करथिला आउ बहुत मोटिवेट करथिला कि मु 100 मीटर रे पार्टिसिपेट करे आउ आगामी दिन मानकरे मु भी गोटे फास्टेस्ट मैन है कि बाहर आउ मु आज खुशी अनुभव करुची जे भगवान का आशीर्वाद आउ मो परिश्रम रे मु से जगह रे आज पहुंची पारछी। एनीवे सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपण एपर्यंत भी इंडिया रो फास्टेस्ट स्प्रिंटर है कि अछंदी। तो आपणकर माने फ्यूचर रो प्लान कोन अछि? मु खाली इंडिया फर्स्टेस्ट मैन नहीं मु बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खेली छि इंडिया पई कि मु कॉमनवेल्थ यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स रो ब्रॉन्ज जीति छि मु सीनियर साउथ एशियन रो सिल्वर जीति छि मु वे तो गोटे इंडियन स्प्रिंटर जे कि कंजिक्यूटिवली 3 एशियन चैंपियनशिप रे पार्टिसिपेट करी छि। तो आगामी गोल्स गुड़ाक मु आउ थे चाहूँ कि नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करे आउ बेटर स्टैंडर्ड्स इंडिया पई कि 100 मीटर्स रे नहीं कि रखे तो सेटा इमीडिएट गोल एबे रहिबो। ओके जदि आमे देखिबा अमियंकर विगत किछु वर्षर बा किछु वर्ष तळुकु गले अमियंक प्रदर्शन रे सामान्य टाइमिंग रे सामान्य डाउनफॉल आसतिला ता उपरे कोन कहिबे बा से जो चेंजेस एबे केमती आसिला? लाइफ रो गोटे ग्राफ अप एंड डाउन सब वाले थाए आउ 100 मीटर गोटे एमती इवेंट जो तरे कंसिस्टेंसी सब वाले गोटे चैलेंज नहीं कि आसे किंतु जदि आपण मो करियर देखिबे मु खाली मो हाथ रे खाली परिश्रम अछि मो रिजल्ट को ग्यारंटी दे पारिबेनि कि मु 100% रिजल्ट देबी किंतु मु ऑप्टिमिस्ट अछि कि मु जेबे परिश्रम ठीक डायरेक्शन रे करूछि लेटली भी होना कहीं कि मते रिजल्ट मिलिबो। जेमती आपण एबे कहुथले कि मोर करियर ग्राफ टिके अप एंड डाउन थिला आपण जानिथिबे कि गोटे बहुत बड़ा महामारी आसतिला जोटी कि समस्ते आमे सेतरे हैरान हेतुलु
तो सेटा कोठी मते बहुत मो पई की बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट करथिला कि मो ट्रेनिंग ग्राउंड एक्सेस करि पानुथली कि जेमती फुल स्विंग रा अगर ट्रेनिंग करि पाउथली सेही समय रे ट्रेनिंग करि पानुथली आउ किछि इंजरीज थिला जाको मो ओवरकम करिया पई टिके टाइम मिली किंतु जेमती मु कहली कि हमें लेटली भी होउना काई कि एबे बैक करि जिमु आउ आगामी दिन मानक रे मते लागुछि कि मो ए परफॉर्मेंस को आउ बेटर कर पारि तो अमियंकर ये जो फिटनेस रेजिम बा डेली रूटीन कौन रहे बट नॉर्मल रूटीन हुए मो जमती आपण एबे देखिले कि मो अर्ली मॉर्निंग सकाळे आसे ट्रेनिंग करे 2.5 hours देन मोर इवनिंग सेशन बहुत स्ट्रांग थाए जो कि हमको 3.5 hours रे सेशन करे पई पड़े आफ्टरनून सेशन केबे केबे रिहैब एक्सरसाइजेस थाए कि फिजियो होंतु कि मेशर होंतु कि मेडिटेशन हो यही सब जिन वर्कआउट थाए आ बहुत ही नॉर्मल बेसिक डाइट मुझे हाँ मुझे अवॉइड करे टिके जंक फूड खायापी कि जब टूर्नामेंट्स थाए कि जब गोटे स्पेसिफिक गोल पाई कि आम कम करूँ तो यही सब दिगरे आम दृष्टि रखू आजिकल देखा मिलूँ आथलेटिक्स डोपिंग बहुत बढ़िवार लगला आउथ मैंने सब बड़े सर्टकट अपने चाहते तो सेमती जो माने दिगहरा हो जाउछन्ती से यूथ मानको पई आपनकर कोन मेसेज रहइबो देखो लाइफ रे किछि शॉर्टकट नाही आपण आपण फर्स्ट आपनक गोल को प्री डिफाइन करंतु कि आपनको कोन करियर अछि कोन अचीव करियर अछि जदि आपण किछि शॉर्ट टर्म गोल रे सटिस्फाइड होवा पई चाहउछन्ती ताले मु आपनको मो एक्सपीरियंस रो या कहि रखिया पई चाहिबी कि से सब लॉन्ग टर्म पई कि नुहे से सब बहुत जल्दी पळै जाय पारिबो तो आपर बिलीव रखु आपणकर प्लान उपर बिलीव रखु आपण सहित जो टीम वर्क करुच्चर भरोसा रखु आउ बहुत कठिन परिश्रम करूँ निश्चिंत भाव सक्सेस आपन को मिल एवं गोटे बदय जिन पचारे चाहिए जमीक किदिन ते राज्य एक नंबर महिला स्प्रिंटर दूती चांद जे कि अलंपिक्स भी देश को प्रतिनिधित्व कर सारी से राज्य सरकार को आक्षेप करते कि हकी और फुटबल को राज्य सरकार बेस प्राधान्य दौरान आ आथलेटिक्स को क्यों टाइम क्यों सबत पुअर व्यवहार हो या उपर आपण मतामत कौन रही मुझे से दूती पर्सनल ओपिनियन हम तापर मुझे विशेष टिप्पणी करवाई चाहेनि किंतु जदि मु आपणको देखे आप देख पारे जदि मोर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड रे गोटे इंडोर स्टेडियम बनुची जोटा साउथ एशियन खाली इंडिया रो नुहे गोटे साउथ एशियन कंट्री रो प्रथम इंडोर स्टेडियम एथलेटिक्स रो होउची आउ राज्य सरकार ईच इयर किछि ना किछि टूर्नामेंट एथलेटिक्स रो भुवनेश्वर रे करूचंती हाँ ग्रासरूट लेवल रे किछि त्रुटि निश्चिंत भाव रही मोर अनुभव जदि से सब जिनस को आम ठीक जगह नहीं कि प्रस्तावित करू से सब जिन भी एड्रेस करा जाउछ बे किछि वर्ष हेलाणी आपण निरंतर भाव विदेश रे प्रशिक्षण नेउचंती तो सेटा आपण को गेम को केते इम्प्रूव करिछि बा सेटा केमती आपण को प्रदर्शन को इफेक्ट पकाउछि आपण प्रदर्शन उपरे फॉरेन ट्रेनिंग मु काम करिछि मु केवल गोटे टाइम ट्रेनिंग गोटे थरे ट्रेनिंग करिछि जोटा कि मु 2014 रे जमैका जाइछि यूसेन बोल्ट को एकेडमी को बाकी मु जते थर फॉरेन ट्रैवल करिछि से सब टूर्नामेंट बेस ओडिशा रे एबे एते सब फैसिलिटीज डेवलप हो गलानी तो मु ओडिशा रे रहिकि ट्रेनिंग करया पई कि मते बहुत भल लागुछ इनफैक्ट तो यही सब एक्सपोजर्स टूर्नामेंट बेसिस रे बहुत बढ़िया कारण आमको इंडिया रे टूर्नामेंट्स बहुत लिमिटेड मिले आउ अब्रॉड रे कॉम्पिटिटर्स बहुत बेटर थांती और फैसिलिटीज टूर्नामेंट रिगार्डिंग बहुत बेटर थाए जहाँ कि आम रिजल्ट्स सेठी भल कर पारू तो निश्चिंत भाव यही सब एक्सपोजर्स कौटी ना कौटी मत बहुत हेल्पफुल ओके एबे स्प्रिंट रो टेक्निकालिटी विषय रे टिके पचारिबा को चाहिबी जेंति कि आपण देखिबे माने जमैका हे जाउ यूएसए हे जाउ एठिकार स्प्रिंटर माने स्प्रिंट हो बा मिडिल रनर माने से माने भलो परफॉर्मेंस करंती एज कंपेयर टू हमरो एशियन कंट्रीज रो स्प्रिंटर माननकु तो एटा कोन पई आपण कहछन जे इंडियन स्प्रिंटर्स माने भलो परफॉर्म करंती ना करंती नहीं 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 माने हमर जदि हमें देखिबा एशियन रो एशियन कंट्री रो स्प्रिंटर माने को अपेक्षा जमैकन आउ यूएसए रो स्प्रिंटर माने बहुत परफॉर्मेंस बेटर हुए से मनन करो मते लागछे सब ट्रेनिंग पैटर्न रो कथा कोण आपण साइंटिफिकली ट्रेनिंग करछन्ती ए सब दिनसर इन्वॉल्वमेंट आउ गोटे एटमॉस्फेयर जेमती इंडिया रे गोटे क्रिकेट को नहीं कि एटमॉस्फेयर गोटे क्रिकेट को नहीं कि इकोसिस्टम डेवलप होती सेमती इकोसिस्टम जब डेवलप हम इंडिया रे तो निश्चिंत हम एथलीट माने भी खाली इंडियन एथलीट माने एशियन कंटिनेंट रे नुहे वर्ल्ड वाइड बेटर परफॉर्म करेंगे मुझे आशा करुँची जदि आपड़
जैवलिन एज ए इवेंट देखु इंडिया केमती प्रोग्रेस करके आसला गोटे एनवायरमेंट डेवलप है नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक्स गोल्ड मेडल पाइले तो ये जैवलिन वर्ल्ड वाइड इंडियन एथलीट्स मैंने डोमिनेट कर तो 400 इवेंट गोटे सेमती आप देखिए कि हेमा दास 400 रे वर्ल्ड रे मेडल्स पाइके आसते यूथ रे तो यू इवेंट्स रो गोटे एनवायरमेंट डेवलप हो तो जदि यू एथलेटिक्स खाली 100-200 इवेंट्स को नहीं कि नुहे एथलेटिक्स 22 इवेंट अच्छी आते मेल फीमेल उभय पार्टिसिपेट करती तो ये इवेंट्स गुड़ाक मुझे ना कहली जमी जैवलिन है कि 400 मीटर्स है जब कौन से जन एथलीट स्प्रिंटिंग रो कि मैराथन रो कि जम्प्स रो वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड क्लास लेवल परफॉर्म करेंगे मुझे भावुची कि इंडिया से एटमोस्फियर से इकोसिस्टम डेवलप हम जो आउ बेसी एथलीट अकोमोडेट हो पारे आउ बेटर परफॉर्म कर पारे ओके आउ गोटे क्वेश्चन मोर रहिबो जेमती कि आपण कहले कि जणे एथलीट जत बळे तार प्राइम फॉर्म को आसुची तो से संगरे आउ किसी एथलीट को ग्रूम कराइ थाए बट आम जदि देखिबा अनुराधा विश्वाल जे कि बोधे एबे ही ज्योति आरजी तांकर रेकर्ड भांगिले अदरवाइज सी वाज द फास्टेस्ट तांको पारे दुति चांद आउ सेमती आम देखिबा जदि अम्य मल्लिक अम्य मल्लिक बोधे 2012-13 रु नेशनल फ्रेम रे रही आसछन्ती किंतु ओडिसा काहे कि आउ भलो एथलीट प्रोड्यूस करि परुनी प्रेजेंटली आम पाखे जब आप अनुराधा विश्वाल और रचिता मिस्त्री टेन्योर नहीं कि आम मान टेन्योर देखिए द्वितीय हूँ कि मुझे से आज्ञा से बहुत बड़ा गैप थिला गोटे बहुत बड़ा फॉल थिला कि आम एथलीट सप्लाय कर पार नाला आम राज्य कारण से समय चैलेंज आम स्टेट कि यह थिला कि आम स्टेट लोक मैंने माल न्यूट्रिशन रे प्राण हराउले तो केमती आम पाखे खाद्य ठीक भाव पहुँचे पार मत लगुच राज्य तारू ऊपर को उठीगला आउ ओवरऑल डेवलपमेंट आड़क ओडिशा अग्रसर करुँच आप देखते हॉकी रा डेवलपमेंट हो एथलेटिक्स रा डेवलपमेंट हो वेट लिफ्टिंग रा डेवलपमेंट हो जो जो एरियाज रे स्पोर्ट्स को नहीं कि आमर पोटेंशियल अच्छी जो सब गेम वेट लिफ्टिंग ये कहली कारण वेट लिफ्टिंग आप रवि कुमार देखिए कि बहुत बड़ा ना हॉकी दिलीप तिर्की हूँ कि इग्नेश तिर्की हूँ कि प्रेजेंटली प्लेयर्स वीरेंद्र लाक्रा हूँ यही सब जो गेम रे बर्तमान हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैयारी हो जाए ग्राउंड लेवल रे बहुत किछ काम चली मत लगुच कि आउ कि वर्ष मध्य यही सब जिनस आम रिजल्ट भी पाई तो ए आउ गोटे मोर लास्ट क्वेश्चन रहिबो एटा कि नेक्स्ट आपणकर गोल कौन अच्छी बा कौन इंटरनेशनल इवेंट बा कौन आपणकर अच्छी गोल एशियन गेम्स अच्छे सेप्टेम्बर मसरे सेटा मेजर गोल रहिबो तापर नेशनल्स रही कि आमर अल्टीमेट गोल हो आम के नेशनल रेकर्ड को आउ थे ब्रेक करूँ जो प्रत्येक भारतीय जो स्वप्न अच्छे कि केवे को इंडियन एथलीट सब 10 दौड़े मानते 10 सेकेंड तौक दौड़े सेटा गोटे मेजर गोल अच्छी एटलिस्ट कि आम कम्प्लीट करूँ ओके कंग्रेचुलेसन फर द एशियन गेम्स आई होप कि आप बहुत जल्दी पुणे नेशनल रेकर्ड भांगत थैंक यू वेरी मच थैंक यू।